हैवरी वन दिस इज स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन सो जियोग्राफी इन एन्वायरमेंट का ये हमारा पार्ट नाइन रहेगा लास्ट uh, वीडियो जो है वो सडनली स्टॉप हो गई थी जिसके कारण शॉर्ट ही रही इस वीडियो में हम फोर uh, फिफ्टी तक जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे थ्री सेवनटी सेवन तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं आज इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस सीरीज़ की जो है वो प्ले जो है वो क्रिएट कर दी गई है प्ले सेक्शन में जाकर आप प्ले में सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ तो स्काई जो है वो ब्लू दिखता है इसका मेन रीज़न क्या है आपके ऑप्शंस हैं राइट right आंसर की तरफ चलेंगे राइट right आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ सेलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर दिस इज द मेन रीजन द स्काई लुक्स ब्लू ऑप्शन बी विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट है पूछा गया है अ साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ डैश साइक्लोन जो है एरिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सो साइक्लोन एक पर्टिकुलर एरिया होता है लो प्रेशर का विच इज सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है थ्री सेवनटी नाइन पूछा गया है इन अ साइक्लोन एक पर्टिकुलर साइक्लोन जो कि नदन हेमोस्फेयर में देखने को मिलता है उसमें विंड्स जो हैं वो किस तरह से ब्लो करती हैं एंटी क्लाक वाइज क्लॉक वाइज स्ट्रेट काउंटर वार्ड और द रेडियली आउट वार्ड सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विच इज एंटी क्लाक वाइज जो है ये प्रिंट्स ब्लो करेंगी साइक्लोन की कंडीशन में इन अ नदर हैमिस्फेयर नेक्स्ट है वेन एयर टेम्परेचर राइजेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या इफेक्ट पड़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर जब भी टेम्परेचर राइज करेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ऑलवेज डिक्रीज करेगी ठीक है ऑप्शन बी विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रीजन एंड अबरेशन आपको यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट वन देखते हैं स्टेटमेंट वन कह दिया है कि द पोलर फ्रंट थ्योरी स्टेट्स दैट मासेज ऑफ रिलेटिव रिलेटिवली वार्म एंड कोल्ड एयर आर ब्राउड इन टू कॉन्टैक्ट रीजन क्या है द मासज आर नॉन आफ्टर देयर सोर्स रीजनस तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स अगर हम इसका आंसर देखें तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इंडिविजुअली करेक्ट हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो so, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री एटी टू आपको बताने कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैचड है ठीक है रॉसबे वेव्स जेट स्ट्रीम के साथ मैच किया है एलनिनो स्ट्रॉन्ग मानसून इंडेक्स साइक्लॉन साइकिल वॉकर सर्कुलेशन और दी हेडलेस सेल विच इज मिड लेटीट्यूड सेल इसे हम कहते हैं सो करेक्टली मैच कौन सा है यहाँ पर राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन ए विच इज रॉस बाय वेव्स जो कि जेट स्ट्रीम से मैच किया करेक्टली मैच है बाकी तीनों इनकरेक्ट है एब्सर्ड स्टेटमेंट्स ठीक है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द ट्रॉप ऑफ हाउस ट्रॉप ऑफ हाउस के बारे में इनमें से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है ट्रू है सो हेयर राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ द टेम्परेचर एट इट्स टॉप इज लोएस्ट ओवर द इक्वेटर एंड रिलेटिवली हायर ओवर द पोर्स सो दिस स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ट्रोपोपोज इज करेक्ट ठीक है ट्रू स्टेटमेंट है बाकी तीनों स्टेटमेंट इन करेक्ट है नेक्स्ट थ्री एटी फोर पूछा गया इन एंड एंटीसाइक्लॉन स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है कि कौन सा पर्टिकुलर फेनोमेना देखने को मिलता है एक एंटीसाइक्लॉन की कंडीशन में सो राइट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो एंटीसाइक्लॉन में क्या कंडीशन बनती है कि जो बैरोमेट्रिक प्रेशर uh, होता है दैट इज हाइक टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑप्शन ए विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट है थ्री एटी फाइव पूछा गया द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर फ्रॉम सरफेस ऑफ दिस अर्थ अब यानी अर्थ सरफेस से अबवार्ड अगर हम सीक्वेंस में एटमॉसफेयर की लेयर्स को अरेंज करें तो वो आपका एक अरेंजमेंट बनेगा फर्स्ट uh, नंबर पर आपको देखने को मिलेगा ट्रोपोपोस देन स्टेटोसफेयर देन मिजोसफेयर एंड फाइनली द आइनोस्फेयर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इसका मेन रीज़न क्या होता है अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स आपको बताना है सो so, इसका मेन रीज़न हमें देखने को मिलता है एटमोसफेयर दैट कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस ठीक है एटमोसफेयर जो है हीट हो सकता है अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस और अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफेयर तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है अपर एटमोसफेयर में जो है वो मॉइस्चर ज़्यादा नहीं देखने को बोलता ये एक फैक्टर नहीं बनता है कि जो आपका टेम्परेचर है दैट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस ठीक है थर्ड स्टेटमेंट द एयर इज लेस डेंस इन द अपर अपर एटमोसफेयर द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट right आंसर बनेगा नेक्स्ट है थ्री एटी सेवन कंसिडर द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक कंडीशंस विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के रेफरेंस में आपको यहाँ पर कुछ एक एटमोस्फेरिक कंडीशन दी गई हैं आपको बताने की विच ऑफ दबव मोटिवेट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन सो यहाँ पर अगर आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं दिज आर देटमेंट्स दिज आर दैक्टर्स विच इज़ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी वार्म ओशन टेम्परेचर एंड द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन सो ये तीनों मेजर फैक्टर्स ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशंस आपकी जुड़ी हुई है डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन से ठीक है दे मोटिवेट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स स्टेटमेंट्स आपकी द एटमोस्फेरिक एयर इज नवर कंप्लीटली ड्राइ वाटर पेपर कैन ऑक्यूपाई एज मच एज द फोर परसेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम और वाटर पेपर इन एटमोसफेयर इज़ ऑलवेज तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इनविज़िबल नहीं होते हैं थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी इनकोक्ट हो जाएगी बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ठीक है एटमोसफेयर एयर जो होती है इत, इट नैवर कंप्लीटली ड्राई और वाटर पेपर्स कैन ऑक्यूपाई एज मच एज द फोरसेंट ऑफ द एटमोस्फेरिक वॉल्यूम सो ऑप्शन ए विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट है अजर्शन इन रीजन है आपको अकॉर्डिंग टू कोर्स आंसर बताना है अजर्शन स्टेटमेंट वन हमारी कहती है कि द वर्क ऑफ विंड एज एन एजेंट ऑफ द ग्रेडिशन इज नॉट एज वाइड स्प्रेड एज दैट ऑफ वाटर रीजन क्या है इसका इट इज इफेक्टिव ओनली इन द डिजर्ट रीज़न

अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स अगर आंसर हम देखें तो राइट right आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजली करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकोरेक्ट दी गई है सो ऑप्शन सी विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट है थ्री नाइन्टी वन मैच करना है आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स अगर हम इसे मैच करके देखें तो राइट right आंसर हमारा क्या बनता है प्लकिंग uh, ठीक है प्लकिंग जो एक पर्टिकुलर आपका फेनोमिना है ये ग्लेशियर्स आप में आपको देखने को मिलेगा नंबर थ्री डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन विंड से एसोसिएटेड है अब्रेशन की बात करें तो अब्रेशन जो है ये आपको स्ट्रीम्स में देखने को मिलेगा एंड एट्रीशन जो है ये म्यूचुअल फ्रिक्शन है ऑफ द रॉक फ्रैगमेंट ठीक है सो so, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी थ्री वन टू एंड फोर ठीक है दिस इज करेक्ट मैच नेक्स्ट है मैच करना आपको यहाँ पर आपके लिस्ट वन है लिस्ट टू है कुछ कंडीशंस है दी हैं और एटमोस्फेरिक लेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम इसे मैच करें सो राइट आंसर हम यहाँ पर देखेंगे राइट right आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ फोर वन टू एंड थ्री फोर वन टू एंड थ्री की अगर हम बात करें तो जो आपका टेम्परेचर डाउनवर्ड्स uh, हम स्टार्ट करते हैं फेल इन टेम्परेचर स्टॉप्स तो ये पर्टिकुलर कंडीशन कहाँ पर हमें देखने को मिलती है ट्रोपोपोज में ट्रोपोपोज में जो है जो आपका टेम्परेचर गिर रहा होता है वो वहाँ पर रुक जाता है उसके बाद ड्रॉप ऑफ हॉस्ट के जस्ट बाद अगर अपर लेयर में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करें कंटेंस मोस्ट ऑफ ओजोन तो ओजोन कौन से पर्टिकुलर लेयर में होती है तो ये होती है स्ट्रेटोसफेयर में स्टेटोसफेयर अगर हम देखें तो स्टेट्रोसफेयर कहाँ है ऑप्शन टू में ठीक है एंड देन अगर हम बात करें द रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ तो रेडियो वेव्स जो है वो आइनोसफेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं बी से मैच होगा वन एंड टेम्परेचर जो है इट फैल्स विद हाइट तो ये पर्टिकुलर कंडीशन हम हमें ड्रॉपोसफेयर में देखने को मिलती है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर होगा विच इज़ फोर वन टू एंड थ्री नेक्स्ट है मैच करना आपको विंड से विंड्स है लिस्ट वन में एंड लिस्ट टू में आपकी प्लेस ऑफ देयर अक्रेंस ठीक है विंड्स है आपकी सेंटाना चिनूक फाहन और जोडा ठीक है इन्हें अगर हम मैच करें तो मैच इस प्रकार से होगा ये आपका सेंडा एना की बात करें तो ये हमें पर पर्टिकुलर कैलिफोर्निया के रीजन में देखने को मिलती है चिनोक की बात करें तो चिनोक जो है ये आपके रॉकीज़ में देखने को मिलती है ठीक है ऑप्शन थ्री देन तो फायन की बात करें तो फायान आपको देखने को मिलेगी एल्प्स रीजन में एंड देन लास्ट है सोंडा तो ये अर्जेंटीना रीजन में पर्टिकुलरली देखने को मिलती है सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ये करेक्ट मैच होगा इसका नेक्स्ट है थ्री नाइन्टी फोर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो हाँ वो wrongly matched है वो रॉन्गली मैस्ड है ठीक है बाकी तीन पेयर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स आपको बताना है कि कौन सा जो है हाँ वो रॉन्गली मैस्ड है अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो टाइफून्स जो हैं ये आपके चाइना सी में देखने को मिलते हैं हमें ये करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है इनकोरेक्ट हमें ढूंढना है टाइफूंस हमें चाइना सी में ही देखने को मिलते हैं एंड देन अगर हम बात करें किसकी टर्डोज़ की विच इज़ ऑस्ट्रेलिया में तो so, ऑस्ट्रेलिया में जो आपके पर्टिकुलर आप देखने को मिलते हैं साइक्लोन्स उन्हें हम विली विली कहते हैं ठीक है सो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन फोर और साइक्लोन्स की बात करें तो साइक्लोन्स हमें जो है वो वेस्ट इंडीज़ में नहीं देखने को मिलते हैं बाकी हरिकेन्स इंडियन ओशन ओशन में जो है वो देखने को मिलते हैं सो so, यार ऑप्शन टू एंड फोर आर दी रॉन्गली मैस्ड ऑप्शन सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा टू एंड फोर आर रॉन्गली मैस्ड पेयर्स ठीक है नेक्स्ट मैच करना आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से लिस्ट वन में आपकी दी है विंड टाइप्स एंड लिस्ट टू में आपके रीजंस वेयर दे अकर्स विंड्स जो उनकी so, पर्टिकुलर लोकेशंस हैं वेयर दे ब्लो सो यहाँ पर देखते हैं ब्रिक फील्डर्स हैं सिरोको है बर्ग्स एंड नॉर्दर्स हैं तो पर्टिकुलर रीजन इनके कहाँ पर यह आपकी अकर होती है तो आपको याद भी रखना है वन बाई वन एज अ फैक्ट अगर हम राइट right आंसर की बात करें राइटली अगर हम इसे मैच करें तो ब्रिक फील्डर्स की बात करते हैं पहले ब्रिक फील्डर्स हमें देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन रीजन में ऑप्शन टू ए का टू होगा सिरोको की बात करें तो सिरोको मेडिटेरेनियन रीजन में आपको देखने को मिलेगा बर्ग्स जो हैं बर्ग्स आपके अफ्रीका में देखने को मिलते हैं एंड नॉर्थर्स जो हैं दिस आर पर्टिकुलरली ऑफ इन कैलिफोर्निया रीजन सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा ठीक है टू थ्री फोर एंड वन नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग फेनोमिनाज कैन अकर वेन वेरी वार्म एंड ह्यूमिड एयर इज़ राइजिंग ओवर अ मास ऑफ वेरी कोल्ड एयर तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा फेनोमिना हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू कोर्ट आपको आंसर uh, बताना है इनमें से कोई से दो फेनोमिनाज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं तो ये पर्टिकुलर आपके uh, जो फिनोमिना है विच इज़ काम वेदर हमें देखने को मिलेगा वैन दिस पर्टिकुलर कंडीशन अकर एंड देन इसी के साथ इंटेंस रेल एंड हेअर्स हिल्स भी देखने को मिलते हैं तो वन एंड फोर विच इज ऑप्शन डी या वन एंड फोर आर द राइट आंसर नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स आपको दी है आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट्स आपकी सभी ओजोन के बारे में सो स्टेटमेंट एक करके देख लेते हैं ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन दी स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड है इट लाइज बिटवीन द ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी किलोमीटर एव द सर्फेस ऑफ द अर्थ ओजोन ऑब्जर्वस द अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड ओजोन लेयर हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ ये स्टेटमेंट इनकोरेक्ट हो जाएगी सो यहाँ पर देखते हैं वन टू एंड थ्री नाइन्टी सेवन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वन टू थ्री आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन नेक्स्ट है ओजोन लेयर के बारे में सबसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है विद रिगार्ड टू द ओजोन लेयर विद इन द एटमोसफेयर विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई है इट ऑब्जर्व्स द मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो ये मेन काम है ठीक है जो भी सन सन की रेज होती हैं ठीक है तो मोस्ट ऑफ जो अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन होती हैं उसके ऑब्जॉर्व करता है ओजोन लेयर एंड क्लोरोफ्रोबंस आर सीरियस थ्रेट टू द ओजोन लेयर्स तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी गई हैं सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है थ्री नाइन्टी नाइन स्टेटमेंट्स आपकी हाफ द वाटर वेपर इन द एयर इन एटमोस्फेयर लाइज बेलो द एल्टीट्यूड ऑफ वन थाउजेंड मीटर सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि द अमाउंट ऑफ परसिपटेबल वाटर इन एटमोसफेयर इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स सो विच ऑफ द फॉलोइंग आई गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो so, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकोरेक्ट दी गई है ठीक है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट है फोर हंड्रेड विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करैक्टराइज द एंटीसाइक्लॉन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एंटीसाइक्लॉन को करैक्टराइज कर रही है सो so, यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर वन की एंटीसाइक्लॉन्स आर दी लो प्रेशर सिस्टम सो एंटीसाइक्लॉन्स जो हैं ये लो प्रेशर सिस्टम्स नहीं होते हैं ठीक है दीज आर दी हाई प्रेशर सिस्टम क्योंकि जहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम हमें देखने को मिलता है वहाँ साइक्लोनिक कंडीशन होती है ठीक है सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी दे आर करेक्टराइज बाय डाइवर्जेंट विंड सर्कुलेशन एंड दे आर इंडिकेटिव ऑफ द ड्राई वेदर कंडीशन तो एंटी साइक्लोन फेनोविना जहाँ भी बनेगा वहाँ पर ड्राई वेदर कंडीशन भी देखने को मिलती हैं सो हर ऑप्शन ए विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट फोर जीरो वन को हम देखते हैं एजर्शन इन रीजन है स्टेटमेंट वन क्या कहती है कि मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस आर कन्फाइंड टू ट्रोपस्फेयर रीजन क्या है मोस्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक मास इज कंटेंड इन दिस लेयर अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स अगर हम देखें तो राइट right आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी क्योंकि इंडिविजली जो है वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द एजर्शन सो ऑपन बी विल भी दॉरी ऑप्शन बी विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट है द क्लाउड्स ऑफ द हाइएस्ट एल्टीट्यूड आर इनमें से कौन से क्लाउड्स जो हैं वो हाइएस्ट एल्टीट्यूड के हैं एल्टो कॉमलोस्ट्रेटस कॉमोलस और दीरोस्ट्रेटस सो हाईएस्ट एल्टीट्यूड की बात करें तो वो हमें स्ट्रेटस में देखने को मिलता है स्ट्रेटस क्लाउड जो हैं दी दे हैव द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है द टेम्परेचर इंक्रीज इज़ मोर मार्क्ड इन नर्दन पैसिफिक ओशन एज अ इन्फ्लुंस ऑफ क्रोशियो करंट इन डैश सो कौन से पर्टिकुलर सीजन में हमें ये देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो है वो इट इंक्रीजेस मोर मार्क इन नदन पैसिफिक ओशन एज एन इन्फ्लुएंस ऑफ दी क्रोशियोकर सो ये हमें देखने को मिलता है पर्टिकुलरली विंटर सीजन में ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है फोर जीरो फोर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ परसिपिटेशन नॉट रिलेटेड पूछा गया है ठीक है बाकी आपका यहाँ पर जो है डायबिटिक प्रोसेस है एंड एंटीबायोटिक प्रोसेस है एसेंट ऑफ एयर आर द कन्वर्जेंस ऑफ एयर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ परसिपिटेशन सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज एडियाबैटिक प्रोसेस बाकी डायबेटिक प्रोसेस होता है एसेंट ऑफ एयर एंड कन्वर्जेंस ऑफ एयर दीज आर दी पर्टिकुलर फेनोमना विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द परसिपिटेशन सेकेंड स्टेटमेंट जो है इन करेक्ट है यानी राइट right आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा नेक्स्ट है डोलड्रम इज करेक्टराइज बाय डोलड्रम्स जो हैं दिज आर करैक्टराइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिफॉर्म हाई प्रेशर यूनिफॉर्म लो प्रेशर हाई विंड विलॉसिटी और दी हाई ह्यूमिडिटी सो ढोलड्रम्स दे आर करैक्टराइज बाय द हाई विंड विलासिटी ठीक है डोलड्रम्स आपके पर्टिकुलर रीजन में हाई में हाई विंड विलॉसिटी देखने को मिलती है ऑप्शन सी विल भी द नो सॉरी ऑप्शन बी विल बी दें यहाँ पर यूनिफॉर्म लो प्रेशर देखने को मिलता है ठीक है ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट है फोर जीरो सिक्स पूछा गया द दर्नाज आर दी डैश बर्नाज क्या है कोल्ड लोकल विंड्स हैं इन दी मेडिट्रेन रीजन कोल्ड लोकल हॉट विंड्स है कैलिफोर्निया की या फिर लोकल कोल्ड विंड्स है साइबेरिया की और लोकल हॉट विंड्स हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सो so, बर्नास क्या है दीज आर दी लोकल कोल्ड विंड्स ऑफ साइबेरिया ठीक है साइबेरियन विंड्स जो होती है वो मैक्सिमम कोल्ड होती है ठीक है साइबेरियन विंड्स से इंडिया को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हिमालयस ठीक है हिमालयन रीजन और बर्नास जो है ये लोकल कोल्ड विन्स हैं साइबेरिया की ठीक है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है फोर जीरो सेवन पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज दी आइडलाइज्ड ग्लोबल पैटर्न ऑफ वट सरफेस विंड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल विच ऑफ द फॉलोइंग डोलड्रम वेस्टइंडीज यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग आपको बताना है कि आइडलाइज करता है ग्लोबल पैटर्न को ऑफ द सरफेस विंड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल इक्वेटर टू पोल हमें अरेंज करना है इसे तो so, अगर हम अरेंजमेंट इसका देखें तो ये फर्स्ट नंबर पे हमें देखने को मिलेगा डोलड्रम देन ट्रेड विंड वेस्ट एंड देन ईस्ट ठीक है ये सीक्वेंस इसका बनेगा सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं द हरकिन एक्वायर्स इट्स स्पिन From the Coriolis effect, the diameter of the hurricanes decreases as it moves away from the low latitude. The diameter of the hurricanes is never below 150 kilometers. So, which of the following above statements are correct? राइट right आंसर की बात करें तो सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं हरिकेन्स जो है द इट्स स्पिन फ्रॉम द कॉरेस इफेक्ट राइट स्टेटमेंट है डायमीटर right हरिकेन्स का है इट डिक्रीजेस एट एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द लो लैटिट्यूड एंड द डायमीटर ऑफ हरिकेन्स इज नेलो दन फिफ्टी किलोमीटर ऑल ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है तीनों को एज अ फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है फोर जीरो नाइन है स्टेटमेंट्स आपकी दी गई हैं आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स आपकी दी गई हैं स्टेटमेंट वन है दे राइज इन द बेल्ट ऑफ द ट्रेडमेंट्स एंड दे मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट सो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेटमेंट टू की तो टेम्परेट साइक्लोन्स में अगर हम बात करें तो दे मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं राइट स्टेटमेंट है बट दे डिडंट राइज इन द बेल्ट ऑफ़ द ट्रीटमेंट्स ऑप्शन ए हमारा इनकोरेक्ट हो जाएगा सो हेयर राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी विच इज ओनली टू सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट इज इनकोरेक्ट नेक्स्ट है स्टेटमेंट है आपकी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल साइक्लोन्स डेवलप एन आई एट द सेंटर करेक्ट स्टेटमेंट है द टेम्परेचर इन साइड द आई इज नियरली टेन डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे करेक्ट है या नहीं है सो so, आय तो बनाता है ठीक है साइक्लोन्स में जो है वो आई डेवलप्ड होती है उसके सेंटर में करेक्ट स्टेटमेंट है वन ओनली करेंगे सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो टेन डिग्री से लेस नहीं होता है देन इज सराउंडिंग्स सो ऑप्शन ए हमारा राइट right आंसर होगा ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट नेक्स्ट है स्टेटमेंट आपको बतानी यहाँ पर कौन सी करेक्ट है दो स्टेटमेंट्स और दी गई हैं फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द अप्रोच ऑफ द साइक्लोन इज करेक्टराइज बाय द राइज इन बैरोमेनिक रीडिंग सेकंड स्टेटमेंट है द साइक्लोन्स ऑफ द नदन हेमिसफेयर द विंड्स सर्कुलेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं ठीक है नेक्स्ट है थ्री वन टू फोर वन टू पूछा गया विच और वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको बताना है स्टेटमेंट सारी जो है वो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के रिगार्डिंग आप इन्हें पढ़ सकते हो हम डायरेक्टली आंसर की तरफ चलेंगे राइट right आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट बाकी सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी विच इज़ इन अ साइक्लोन द एरिया ऑफ द लो प्रेशर इज एट द सेंटर सराउंडेड बाई एरिया ऑफ द हाई प्रेशर ठीक है साइक्लोन में जो है वो आपका पर्टिकुलर सेंटर में लो प्रेशर होता है और सराउंडिंग एरिया में हाई प्रेशर देखने को मिलता है एंड थर्ड स्टेटमेंट है एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर जो है विच इज़ सराउंडेड बाय एरियाज ऑफ द लो क्रैश इसका एंटी होगा एंटीसाइक्लोन में सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट right आंसर बनेगा नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एटमोस्फेयर इज करेक्ट एटमोसफेयर के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो फोर्थ स्टेटमेंट है हम राइट आंसर की तरफ चलेंगे राइट right आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज एटमोस्फेयर हैज़ नो डेफिनेट अपर लिमिट्स बट ग्रेजुअली थिंग्स अंटिल इट बिकेम इम्परसिपिटेबल ठीक है ऑप्शन बी विल आंसर नेक्स्ट है फोर्टीथ uh, है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट आपको फिर से दी गई है आपको बताना है कि कौन सी इनमें से करेक्ट है ठीक है स्टेटमेंट है राइट right आंसर की तरफ चलेंगे सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी बाकी आप पढ़ सकते हो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट को एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कोल्ड फ्रंट्स नॉर्मली मूव फास्टर देन वार्म फ्रंट्स ठीक है फैक्ट है कोल्ड फ्रंट्स जो है नॉर्मली फास्टर मूव करते हैं देन द वार्म फ्रंट्स

प्लानी मीटर यूज प्लानी जो है वो यूज़ होता है विच ऑफ द फॉलोइंग किसे मेज़र करने के लिए टू नो अबाउट द सरफेस एरिया ऑन द मैप टू नो अबाउट द डिस्टेंस ऑन द मैप टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑन अ मैप और टू नो द हाइट द हाइट ऑफ द स्पेस प्लेसिस ऑन अ मैप सो पर्टिकुलरली इसका यूज़ किया जाता है टू नो द सरफेस एरिया ऑन अ मैप मैप के ऊपर सरफेस एरिया के को मेजर करने के लिए जो है वो प्लानी का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर वन सेवन पूछा गया है मिस्ड इज अ रिजल्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिस्ड जो है वो रिजल्ट है इनमें से कौन सी एक प्रोसेस का कंडेंसेशन एवेपरेशन सब्लिमेशन और सैचुरेशन सो मिस्ट आपको देखने को मिलेगी आफ्टर कंडेंसेशन कंडेंसेशन का ही एक रिजल्ट होता है मिस्ट नेक्स्ट है फोर वन एट बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स क्लाउड्स डू नॉट पर्सिपिटेट इन डिजर्ट क्या रीज़न क्या फैक्टर होता है कि क्लाउड्स जो है हाँ वो डेजर्ट्स में परसिपिटेट नहीं कर पाते लो प्रेशर लो ह्यूमिडिटी हाई विंड वेलोसिटी और द हाई टेम्परेचर सो राइट आंसर है हमारा लो ह्यूमिडिटी डेजर्ट एरिया में जो है हाँ वो ह्यूमिडिटी कम होती है इसी कारण से क्लाउड्स जो है दे डिड नॉट परसिपिटेट इन डेजर्ट रीजन ठीक है नेक्स्ट है फोर वन नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ द एटमोसफेयर इज रिच इन ओजोन गैस ओजोन गैस हम इसे पहले भी कर चुके हैं स्टेडोसफेयर में हमें अबंडेंट देखने को मिलती हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है इफ़ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमोसफेयर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट वुड डैश यदि अर्थ का जो है वो कोई भी एटमॉसफेयर नहीं होता है देन टेम्परेचर क्या इफैक्ट पड़ेगा आपका विच एक्सट्रीम्स बिटवीन द डे एंड नाइट वुड फट इनक्रीज डिक्रीज स्टे द सेम और फ्लक्चुएट रैपिडली सो so, हमें जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज इंक्रीज होता है ठीक है इट विल इंक्रीज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स आपको दी गई है तीन स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है द हरिकेन केन एक्वायर्स इट स्पिन फ्रॉम इट्स इफेक्ट रिपीट क्वेश्चन है वही ठीक है राइट right आंसर की तरफ चलेंगे तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट यहाँ पर दी गई हैं ठीक है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग विलोसिटी ऑफ विंड विंड्स दी गई है, हैं आपको इंक्रीजिंग वेलोसिटी बतानी है इनकी इन अ करेक्ट सीक्वेंस राइट आंसर की तरफ चलें तो राइट right आंसर हमारा ऑप्शन ए है विच इज़ लाइट ब्रीज फ्रेश ब्रीज एंड गैल एंड देन हरिकेन्स दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ विंड्स नेक्स्ट है फोर टू थ्री डायरेक्शंस आपको दी गई हैं रीजन एंड एजर्शन है स्टेटमेंट वन क्या कहती है कि विंड इज डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नदर्न हेमिसफेयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमोसफियर फ्राम इट्स नॉर्मल कोर्स रीजन इसका क्या गया है दिया गया है कि अर्थ रोटेट्स फ्राम वेस्ट टू ईस्ट तो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली जो है वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट वन को ऑप्शन ए विल भी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट है फोर टू फोर मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स टूडे आर प्लेसड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इन ऑर्डर टू स्टे ओवर द सेम स्पॉट ऑन द अर्थ a geostationary satellite has हैज be बी डायरेक्टली the द डैश सो कहाँ पर honi होनी चाहिए above, above the द इधर नॉर्थ और द साउथ theek ठीक है अब कम्युनिकेशन uh, सैटेलाइट्स आपको ध्यान में रखना है ये हमेशा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही आपकी प्लेस की जाती है इन ऑर्डर टू स्टे ओवर द सेम स्पॉट ऑन द अर्थ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो है दे हैव टू बी डायरेक्टली एब इधर द नॉर्थ और द साउथ पोल ऑफ द अर्थ ठीक है ऑप्शन बी विल द राइट आंसर नेक्स्ट so, right है फोर टू फाइव पूछा गया विंड इज ऑफन फोन टू ब्लो इन अ हॉट समर डे ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ हीट बिटवीन द एयर एंड सॉयल ऑन द अर्थ ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है थ्री टू सिक्स पूछा गया एंगुलर स्पीड ऑफ द विल्ड विंड इन अ टोर्नेडो द सेंटर स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है इट डिक्रीजेस रैपिडली इंक्रीजेस रिमेन्स कॉन्सटेंट और स्लोली बिकम्स जीरो सो राइट आंसर होगा हमारा इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है लिस्ट वन में आपको दिया है लोकल विंड्स एंड एरिया ऑफ द प्रिवलेंस लिस्ट टू में आपको मैच करना है अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स तो राइट आंसर यहाँ पर होगा इसका ऑप्शन ए टू थ्री वन एंड फोर ठीक है टू थ्री वन एंड फोर तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स आप इसे मैच कर सकते हो टू थ्री वन एंड फोर नेक्स्ट है two, three, फोर ट्वेंटी एट पूछा गया हॉर्स लैटिट्यूड लाए विद इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट ऑफ डैश हॉर्स लैटिट्यूड लाया करते हैं विद इन द एटमोसफेरिक बेल्ट प्रेशर बैल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोलर हाई इक्वेटर लो सब ट्रॉपिकल हाई और दब पोलर लो सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हॉर्स लैटिट्यूड जो है ये देखने को मिलते हैं हमें विद इन द एटमोसफेयरिक प्रेशर बैल्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर सो आज के इस सेशन में हम यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे थ्री ट्वेंटी एट से थैंक्स फॉर वॉचिंग